Welcome to Digital Adhyapak. Hello student, welcome to Digital Adhyapak. Our question is, find a cubic polynomial whose zeros are 2, minus 3 and 5. आपको एक cubic polynomial बनाना है जिसके 3 zeros पता है. तो आपको पता है 3 zeros को हम suppose कर सकते हैं, एक alpha है आपका, alpha की value 2 है, beta की value minus 3 है and gamma की value क्या है? आपको पता है कि जब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है तो आपके पास एक होता है सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप लिख सकते हो 2 माइनस 3 प्लस 5 कितना होगा 5 टू 7 7 माइनस 3 4 फिर आता है प्रोडक्ट सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इनटू बीटा 2 इनटू माइनस 3 माइनस 6 बीटा इनटू गामा माइनस 3 इनटू 5 माइनस 15 एंड गामा इनटू अल्फा 5 इनटू 2 10, 15 minus, minus 15 minus 6 is what? Minus 21 plus 10 is what? Minus 11, clear है? फिर आपको क्या करना है? Product of roots, last one is what? Product of roots, alpha, beta, gamma, की value क्या होती है? Alpha की place पे आपका 2 है, beta की place पे minus 3, gamma की place पे 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, minus 3. आपको पता है कि जब हम alpha, beta, gamma की value पता है, तो equation कैसे लिखते हैं? इक्वेशन जब आपका होता है x cube minus alpha plus beta plus gamma into x plus alpha beta beta gamma gamma alpha into x square x minus alpha into beta into gamma into 0. अब आपको क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है. x to the power 3 minus sum of roots क्या है? 4 x square plus प्रोडक्ट सम रूट क्या है आपका minus 11 ऑफ x minus प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है minus 30 अब आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हो x to the power 3 minus 4x square minus 11x minus minus plus 30 ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है जिसके जीरोस क्या है 2 minus 3 and 5 ओके थैंक यू क्लास